नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल पीएसटी एक क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि कल पटना हाईकोर्ट न्यू हेयरिंग डेट दे दिया है। साथ ही साथ आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और बीटीसी विभाग की तरफ से जो भी बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के बारे में अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले। साथ ही साथ कल कोर्ट में क्या हो सकती है, क्या पटना हाई कोर्ट स्टूडेंट के हक में फैसला देगा या विभाग के हक में, सारी जानकारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द यह वैकेंसी क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीटीसी विभाग की तरफ से न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग और पुराने वैकेंसी की रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, अभी बीटीसी के ऑफिशियल साइट पे दो नोटिस आई है जो कि 27 से लेके 1 तारीख तक जो काउंसलिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग आया, जो ज्ञान भवन पटना में गांधी मैदान के बगल में जो टेबल कुर्सी यूएसबी और कैमरा लगाने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, क्योंकि 29 तक ही था, आपको ही पता है जो 29 तक ही था, तो फिर से 27 से लेके 1 तक जो काउंसलिंग होगा सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट आपको शिफ्ट में चलेगा जो है, फर्स्ट शिफ्ट में तो दे दिया है 16 से लेके 23 तक और सेकेंड शिफ्ट आपको दिया है, सेकेंड फर्स्ट राउंड है आपको 16 से 23 और सेकेंड राउंड है आपको 27 से लेके 1 तक, तो उसी में दो नोटिस विभाग जारी किया है फिर से टेबल कुर्सी यूएसबी उसके बाद सीसीटीवी हर चीज के लिए जो है वीडियोग्राफी के लिए फिर से कोटेशन के लिए आमंत्रित किए हैं 22 फरवरी तक, जो टेबल कुर्सी उसके बाद यूएसबी उसके बाद आपको वीडियोग्राफी उसके बाद आपको सीसीटीवी कैमरा के लिए फिर से कोटेशन पर आमंत्रण किया गया है, जो कि जो भी आमंत्रण स्वीकार करना चाहते हैं या उसमें काम करना चाहते हैं तो 22 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सारा चीज उसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं। चलिए ये हो गया, चलिए आगे बताते हैं न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, अभी बातचीत हो रही है, सबसे बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं सबसे बातचीत नहीं हो रही, सबसे बातचीत हो रही है, बहुत जल्द आपको न्यू वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए आप बात करते हैं बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट में। कल तो हम बता रहे हैं, दो दिन से बता रहे थे जो 19 तारीख को आपको पटना हाईकोर्ट से न्यू हेयरिंग डेट मिल जाएगा, वो मिल चुका है, नाइट में हम वीडियो बना के और लाइव भी आए थे उसमें भी बता दिए। तो हो क्या सकता है, तो हम आप पहले बता दिए थे हम लोग ही केस जीतेंगे, केस हम लोग ही जीतेंगे, क्योंकि पहले हम आपको बता दिए है जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश लगा दिया गया है, उसमें जो ऑर्डर है जो वैकेंसी जिस नियमावली पर जारी होता है वही नियमावली पर वो वैकेंसी क्लियर हो। साथ ही साथ आपको जो है सुरजीत जी वाले बता दिए हैं जो लैब टेक्नीशियन वाले केस जीते हैं, सेम यही था, सेम ऐसा ही फंडा था, वो भी सुरजीत जी जीत लिए थे, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं इसी आधार पर। और आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में भी बता दिए थे जो ऑर्डर निकल के आया है, बीच में जो है नियमावली में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो हम लोग 100% कल केस जीतेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 100% कल ही यह केस क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात है जो ध्यान सुन लीजिए, लोग कन्फ्यूज रहते हैं, अर्चना जी वाले जो केस लड़ रहे हैं वकील का नाम है अभिनव श्रीवास्तव जी, जो अभी सपना दी जो केस लड़ रहे हैं उनका नाम है शंभु शरण सिंह, यहाँ से सुन लीजिए। होता क्या है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको कमेंट करते रहते हैं सर आपको नहीं पता, तो जो अर्चना दी के केस लड़ रहे हैं वो वकील साहब का नाम है अभिनव श्रीवास्तव जी, ठीक है, और जो सपना दी जो है केस लड़ रहे हैं उस वकील का नाम है शंभु शरण सिंह, ठीक है, पूरा नाम यही शंभु जी है, हम शंभु जी करके जानते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है नहीं है तो ये जानिए, जो है अलग अलग जो है दोनों को किसाब है, क्योंकि कन्फ्यूजन आप लोग को पूरा हो जाता है, इसीलिए जो है सपना दी के जो है अलग केस है, अर्चना दी के केस अलग है, समझे, और आप तो देख रहे हैं इसका लीडिंग कर रहे हैं सुरजीत जी, समझे, सुरजीत जी है, उसके बाद जो है पंकज जी है, उसके बाद आपको सुदामा जी है, ये सब जो है लीडिंग कर रहे हैं, सब जो है ग्रुप में चल रहे हैं और केस को लीड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं हमारे वीडियो जो है आप लोग ही देखते हैं, जज साहब जो है मोहित शाह जी जो है जज साहब वो भी देखते हैं, सारे वकील देखते हैं और बीजेपी की जो कार्यकर्ता है हर चीज़ है जो स्वास्थ्य विभाग के उन लोग सभी देखते हैं, क्योंकि हमें कॉल मैसेज आते रहता है, हर चीज़ आते रहता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं,
क्योंकि हमेशा परफेक्ट और सही न्यूज ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कोई इधर उधर का न्यूज हम नहीं प्रोवाइड करते। इसीलिए सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और सभी लोग देखते हैं और सब लोग को कुछ ना कुछ उम्मीद है हमसे, खासकर स्टूडेंट का सबसे ज्यादा स्टूडेंट को उम्मीद है, जो कुछ करेंगे तो पप्पू सर ही करेंगे। इसलिए उस उम्मीद पर हम खरा उतरने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं खरा उतरने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद देख रहे हैं हम एक स्टूडेंट होते हुए हमें इससे ऐसा नहीं है जो अगर मान लीजिए कोचिंग करा भी या वैकेंसी क्लियर होगा तो मेरा भी स्टूडेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं, खुद निस्वार्थ भाव से हम लड़ रहे हैं और आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा सच्चाई का ही हम साथ देते हैं। आप देख रहे हैं तो सच बोलिएगा तो आप पर 100 उंगली उठेगा, झूठ बोलिएगा तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसलिए सबका जो है हम ही पर ध्यान है, इसलिए जो हम सच्चाई बोलते हो सच्चाई हमेशा आप लोगों के सामने ला कर रखते हैं। सच्चाई लाए तभी आप जो है कल आपको केस का हेयरिंग डेट मिला है, सच्चाई नहीं बोलते तो हेयरिंग डेट नहीं मिलता। सच्चाई बोले सुजीत जी आए देखिए मीडिया में, मीडिया के सामने आके बोले क्या सच्चाई, सच्चाई बोले तभी तो पूरे बिहार के स्टूडेंट को पता चला केस का क्या स्टेटस है, केस का क्या स्थिति है, तभी जो है डेट मिला है कल का। अब देखिए कल क्या हो पाता, हम हमेशा आपके साथ हैं, इसीलिए हैरान और परेशान नहीं होना है, हम हमेशा आपके साथ हैं और सही के साथ सही ही हम आवाज़ उठाते हैं, हमेशा सही के ही हम साथ देते हैं, गलत के साथ हम कभी नहीं देते, इसीलिए लोग हम पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं, हमारे जितना एनएम दीदी है सभी के साथ हम हैं, परेशान आपको नहीं होना है। अब देखिए कल हम लोग को 100% जीत होगी, इसलिए परेशान नहीं होना है, जो भी दिक्कत होगा हर चीज़ होगा आपके मन में, जो भी सवाल है तो आज 12 बजे लाइव आएंगे, आज जो है लाइव का टाइम है 12 बजे, ठीक है। 11 बजे बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जुड़ पाता है तो 12 बजे आप लोग लाइव आना नहीं भूलेंगे, क्योंकि 12 बजे हम डिटेल्स में इस पर बातचीत करने वाले हैं, इस टॉपिक पर कल क्या क्या हो सकता है, किसके हक में कल फैसला आएगा, ठीक है, कल स्टूडेंट जीतता है कि नहीं जीतता, कल यह केस क्लियर होता है या नहीं होता है, इस पर डिटेल्स में हम लोग 12 बजे बात करने वाले, इसलिए सभी स्टूडेंट लाइव आना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और जितना हो सके सोशल मीडिया में जितना आपको व्हाट्सएप ग्रुप है सभी भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी एनएम बहन को पता है कि पप्पू सर ही कुछ कर सकते हैं और हम कर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास पहुँचे और सभी एनएम बहन के हौसला बना रहे जो अभी हमारे साथ पप्पू सर हैं, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।